दोस्तों एनएसवी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रफीक। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कैसे आप इस तरह का प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। जैसे ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक लैंप आता है ऊपर से मूव करते हुए, उसके बाद क्या किया जाता है कि यहाँ से एक लाइट छोड़ा जाता है, इस तरह का ये जो है इसके बारे में हाईलाइट कराता है पेरोट के बारे में। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन आप भी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से अपने स्कूल के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए, या फिर अपने कोचिंग के लिए, या फिर आपको किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट करना हो तो वहां पर भी दिखा सकते हैं, या फिर किसी तरह का सेमिनार अटेंड करना हो तो वहां पर भी इस तरह का प्रेजेंटेशन को आप दिखा सकते हैं। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन आप तैयार कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करना है। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले जैसे ये लेआउट देख रहे हैं, इसको हम ब्लैंक लेआउट में चेंज करना है क्योंकि ये पहले से फॉर्मेटेड है। तो इसको ब्लैंक लेआउट में चेंज करने के लिए होम पे जाना है और लेआउट पे जाना है। लेआउट पे जाने के बाद ये लेंगे ब्लैंक लेआउट, देखेंगे ये हमारा ब्लैंक हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अपना बैकग्राउंड के कलर को चेंज करेंगे। उसके लिए चले आएंगे डिजाइन पे। डिजाइन पे जाने के बाद ये है फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाने का जिस तरह का भी बैकग्राउंड कलर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हम यहाँ पर फिलहाल सॉलिड फिल करेंगे, तो सॉलिड फिल पे हमें क्लिक करना है और ये है यहाँ पर देख सकते हैं फिल कलर, जो भी कलर आपको लेना चाहते हैं यहाँ से अपने स्लाइड पे फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल ये वाला कलर है हम इसी को ले लेते हैं, या फिर और भी कुछ कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से उसको भी जैसे ये कलर को हम ले लेते हैं। लेने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है एक लैंप को जो है बना क्रिएट करना है। तो उसके लिए इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर चले आना है हमें शेप में। शेप में जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारा शेप हमारे सामने आएगा, तो हमें क्या करना है यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाएंगे ये है ट्रॉपजॉइड शेप, तो हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर देंगे, देखेंगे तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर आ जाए। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं और ऊपर से यहाँ से भी इसको थोड़ा सा इस तरह से हम कर सकते हैं। करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है ना ऐसा दिखाना है कि इसमें कलर भी फिल करना है। तो कलर को फिल करने के लिए चले आएंगे यहाँ पर शेप फिल पे। जो भी कलर आपको फिल करना हो वो कलर आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। फिलहाल हम इस कलर को ले लेते हैं। लेने के बाद हमें क्या करना है, ये लैंप हमारा तो क्रिएट हो गया। यहाँ पर हमें जो है ना जो है रस्सी सा देना है ताकि ऐसा लगे ये ऊपर से बांधा हुआ हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फिर से हमें चले आना है यहाँ पर लाइन पे जाए, शेप पे चले आएंगे। इन सब शेप में ये लाइन है, लाइन को ले लेना है और यहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे नीचे तक ले करके आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, शेप की प्रेस करेंगे ये कम्प्लीटली एक सॉलिड लाइन पे ड्रॉ हो जाएगा। होने के बाद हमें क्या करना है, ये जो शेप लाइन है ना इसके मोटाई को यानी विथ को ज्यादा करना है। तो यहाँ पर चले आएंगे शेप आउटलाइन पे और ये है विथ। विथ पे जाने का जितना भी लेना हो अपने हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं। फिलहाल हम इसको ले लेते हैं। लेने के बाद इसका कलर को ले लेंगे यहाँ से ब्लैक, देखेंगे इस तरह से ये ब्लैक कलर पे आ जाएगा। आने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको और दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, ये जो लाइन है और ये जो शेप है दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें चले आना है ग्रुप में। ग्रुप में जाने का यहाँ से कर देंगे हम ग्रुप, देखेंगे ये ग्रुप भी हो गया। होने के बाद अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा जो है ना ऊपर कर लेते हैं इतना पे। अब हमें क्या करना है यहाँ पर पिक्चर को इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर हमें चले आना है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद यह है पिक्चर। पिक्चर पे जाएंगे आप दो तरह से पिक्चर को ला सकते हैं, एक तो आपका डिवाइस में पहले से है तो वहां से ला सकते हैं, अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है तो आप ऑनलाइन पिक्चर से भी ला सकते हैं। हम चले आएंगे यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर पे जाएंगे। जाने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जाते हैं जो भी इमेज लेना है वो यहाँ टाइप करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइगर हमने टाइप कर दिया, देखेंगे टाइगर से रिलेटेड बहुत सारा पिक्चर्स यहाँ पर आ जाएंगे। जो भी पिक्चर हमें इंसर्ट करना हो उसमें हमें क्या करना है, इस तरह से क्लिक करना है और इंसर्ट कर देना, वो पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट होकर के आ जाएगा। थोड़ी देर हम वेट कर लेंगे, देखेंगे इस तरह से आ गया। आने के बाद यहाँ पर कुछ पिक्चर ऐसे होंगे जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन दिया होगा, इसका कोई काम नहीं होता है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। करने का पिक्चर को थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे और लेकर के आ जाएंगे इसके सीधा, उसका इसको हमें क्रॉप कर लेना है शेप के आकार में। तो उसके लिए हमें चले आना फॉर्मेट में और यहाँ पर आएगा क्रॉप। क्रॉप में जाने का यहाँ पर आएगा क्रॉप टू शेप पे जाना है। किस तरह का शेप में आप देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं सर्कल मोड पे, तो उसके लिए हम ओवल को सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे एक सर्कल पे ये चेंज हो जाएगा इस तरह से। इसको थोड़ा सा हम छोटा भी कर सकते हैं यहाँ से, बड़ा करना अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया। लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका जो आउटलाइन है वो चेंज करना है। तो उसके लिए चले आएंगे आउटलाइन पे और यहाँ से ले लेते हैं वाइट आउटलाइन, इस तरह से हमने ले लेंगे। उसी तरह से हम सभी पिक्चर को इंसर्ट कर लेंगे, जितने भी पिक्चर हमें इंसर्ट करना हो। तो चलिए तो हम जाते हैं फिर से इंसर्ट पे, फिर से पिक्चर पे, फिर से ऑनलाइन पिक्चर, और यहाँ पर अभी हम लाएंगे लाइन को। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे लाइन, देखेंगे एंटर बटन प्रेस करेंगे, थोड़ी देर हम वेट कर लेंगे तो देखेंगे लाइन का भी बहुत सारे पिक्चर आ जाएगा। जो भी हमें लेना हो यहाँ से क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है, इंसर्ट कर देंगे, वो पिक्चर हमारा यहाँ पर जो है इंसर्ट हो जाएगा, देखेंगे इस तरह से।
इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसका भी, तो यहाँ पर जाएंगे, जो कैप्शन है उसको हमें डिलीट करना है सेलेक्ट करके। उसके बाद ये वाला जो पिक्चर है फॉर्मेट पे चले जाना है, सेव पे जाना है, क्रॉप पे जाना है, क्रॉप टू सेव पे जाएंगे और ये ले लेंगे यहाँ से जो सर्कल जो ओवल है इसको सेलेक्ट करना है। देखेंगे इस तरह से ये भी हमारा जो एक ओवल पे आ जाएगा। जाएंगे इसके साइज को भी एडजस्ट कर लेना जितना भी लेना हो। और हमें क्या करना है, इसका भी आउटलाइन जो है ना हम यहाँ से कर देते हैं व्हाइट। तो यहाँ पर जाएंगे पिक्चर बॉर्डर पे, यहाँ से हम व्हाइट ले लेंगे। देखेंगे इस तरह से हमने दे दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तीसरा पिक्चर को भी इंसर्ट कर लेना हो। चलिए जैसे हमने जो दोनों को किया ना उसी तरह सभी पिक्चर को हम इंसर्ट करके यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देख सकते हैं सभी पिक्चर को यहाँ पर जो इंसर्ट कर लिए। करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये लैम्प भी तैयार है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस लैम्प के आगे यहाँ पर जो है ना हमें इससे जो है लाइट जो है क्या करना है, इसके ऊपर हाईलाइट करना है। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करना है ना, इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट में जाने का फिर से हम चले जाएंगे शेप में। शेप में जाने के बाद ये जो देख रहे हैं ना, ये जो है आपका ट्रेपेज़ॉइड, इसी को इंसर्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से हम कंप्लीटली जो है ना इसके ऊपर हम ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से पूरा जैसे ना जितना हमारा पिक्चर है उस हिसाब से यहाँ पर हम जो इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ से थोड़ा इसको हम बड़ा कर देंगे ऊपर यहाँ तक। देखेंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसमें जो है हमें कलर भी फिल करना है, कौन सा, लाइट का। तो कलर फिल करने के लिए हमें क्या करना है, चले जाना है यहाँ पर फिल शेप में। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे ग्रेडियंट फिल में और यहाँ पर मोर ग्रेडियंट है, इसमें हमें चले जाना है। जाने के बाद हमें क्या करना है, ग्रेडियंट फिल पे जाना है। जाने के बाद देखेंगे यहाँ पर ऑलरेडी हमारा पहले से किया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आ रहा है। तो यहाँ पर जाएंगे, ये जो है ना हमें दो पॉइंट लेना है, ठीक है, आपका तीन चार पाँच, जैसे यहाँ पर हमारा तीन है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देंगे। हमारा दो यहाँ पर किया हुआ है, तो देख सकते हैं जिस तरह का वह लाइट कलर देना चाहते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, येलो, येलो दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ग्रीन लाइट दे, जैसे रेड देना हो तो रेड जो भी देना हो वहाँ से आप दे सकते हैं। तो फिलहाल हम ये वाला को ले लेते हैं, यहाँ से ये येलो कलर जो है ना इसको हम ले लेते हैं। क्लिक करेंगे, देखेंगे आ जाएगा। आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से उसको जो है ना कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इतना पे जाएंगे, ले लेंगे यहाँ से, देखेंगे इतना पे या फिर इतना पे रहा लेते हैं। यहाँ से भी उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा क्या करना है, इसका जो ट्रांसपेरेंसी है इसको जो है ना हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इस तरह, देखिए आ गया। आने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे इसका शेप का जो आउटलाइन है, तो शेप आउटलाइन पे जाना है और यहाँ से ले लेंगे नो आउटलाइन। देखेंगे इस तरह से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर उसके जो ये जो टाइगर है उसके डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए इंसर्ट पे चले जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद हमें चले आना है यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लेना है। यहाँ से इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे, देखेंगे ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद जैसे हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं टाइगर, ठीक है, हम यहाँ पर टाइप कर देंगे और यहाँ पर दे देंगे योर टेक्स्ट। जैसे हमने कहा योर टेक्स्ट, यहाँ पर आपको जो भी टाइप करना हो दे सकते हैं। टाइगर के जगह हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर आप टाइगर भी दे सकते हैं। उसके अलावा अगर जो भी, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं यहाँ पर सब टाइटल, यहाँ पर हम सब टाइटल दे देंगे। सब टाइटल जैसे ये रहा वन, ये रहा वन, तो वन दे देंगे ना। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं ना, इसके साइज को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। जाएंगे यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, इसका फॉन्ट के कलर को हम चेंज कर देते हैं यहाँ से। उसके अलावा आपको जो भी यहाँ पर टाइप करना हो अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें देना है एनिमेशन, या फिर इसका साइज को जो है ना थोड़ा सा हम हाईलाइट थोड़ा सा हम ज़्यादा कर लें इतना पे, ठीक है। जाएंगे यहाँ से भी, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा लैम्प है, लैम्प को क्या करना चाहिए, ऊपर जंप करते हुए यहाँ पर आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको हम क्लोज कर देते हैं फॉर्मेट को, एनिमेशन पे जाएंगे। एनिमेशन यहाँ पर ये है फ्लाई, इनको लेना है। देखेंगे इस तरह से क्या ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम यहाँ पर आएगा जो ही हम फ्लाई इन करेंगे यानी इफेक्ट इसमें डालेंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इफेक्ट क्या करके, तो यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर ले लेंगे फ्रॉम टॉप पे जाएंगे। देखेंगे ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, एनिमेशन पेन पे जाना है। तो यहाँ पर हम क्यों गए, देखेंगे देखेंगे हम जो ही हम प्ले करते हैं तो क्या होता है, ये ऊपर से जो आता है यहाँ पर एक जगह ठहर जाता है। हमें क्या करना, थोड़ा सा बाउंसिंग करना है, उसको मूव करना है जब ये नीचे की ओर यहाँ पर आकर के रुके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, चले आना जैसे ये ग्रुप सिक्स है क्योंकि हमने ग्रुप करके रखा है सारे शेप को, तो यहाँ पर जाएंगे राइट साइड में एक एरो दिखेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना, इफेक्ट ऑप्शन पे जाना। जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे बाउंस इन, यहाँ पर जाना जितना भी हमें देना हो 0.15 पर रखते हैं, इतना सही है। जाएंगे तो देखेंगे ये थोड़ा सा बाउंस होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दे देना है विथ प्रीवियस, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे ये वाला जो लाइट है इसमें क्लिक करना है, इसमें हम दे देंगे यहाँ पर देखेंगे यहाँ वाइप, वाइप को देना है। देखेंगे ये इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो इफेक्ट ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर ले लेंगे फ्रॉम टॉप। देखेंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना, यहाँ पर हम दे देंगे क्या कर देंगे, यहाँ पर हम दे देंगे आफ्टर प्रीव्यू, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ पर
जैसे हमने आफ्टर प्रीवियस दे दिया, देने के बाद यहाँ पर भी उतना ही टाइम रखना जितना के ऊपर है। उसका ये है सब टाइटल पे जाना है और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे फेड इन पे टाइप कर देना है। करने के बाद इसमें हम जाएंगे, इसमें हम कर देंगे आफ्टर प्रीवियस। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसको रन करा करके, तो ये देखिए ऊपर से आता है फिर ये नीचे की ओर आता है, देख रहे हैं इस तरह से। अब हमें क्या करना है, उसी तरह से सेम सभी इफेक्ट, सभी इसमें जो है सेम इफेक्ट अप्लाई करना है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसे कंट्रोल की प्रेस करना है, इसको भी ले लेना है, ये जो हमारा जो ये आ गया ये सब टाइटल को भी लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करें, कंट्रोल क्लिक करेंगे, देखेंगे इस तरह से डुप्लीकेट जो है उसी का क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर से हमें क्या करना है, उसी तरह से कंट्रोल क्लिक करके हम इसमें लेकर के आ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, जाना है सबसे लास्ट में भी हम लेकर के आ जाएंगे यहाँ पर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो है सभी को लेकर के आ गया। ये रहा हमारा सब टाइटल वन, ये रहा हमारा जो है टू, तो यहाँ पर हम देते हैं टू, और ये रहा हमारा थ्री, तो यहाँ पर हम दे देंगे थ्री, ठीक है। और ये रहा फोर, तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम दे देंगे फोर, इस तरह से। उसके अलावा क्या करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो है ना हमने दे दिया फोर, बटन प्रेस करें, ये टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे हम रन करा करके, तो देखेंगे इस तरह से ये आ रहा है, उसका दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा इस तरह से आ रहा है। अगर टाइम के भी डिफरेंस देना है तो टाइम के भी डिफरेंस दे सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं ये थोड़ा जल्दी आए, ये लेट आए, उससे थोड़ा ये लेट आए और ये भी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, फिर से इसको सेलेक्ट करना है, ये कितना है हमारा 50 है, 0.50 है, तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको भी ले लेंगे, नहीं इसको भी ले लिया, ठीक है। जैसे वहाँ पर 0.50 है तो यहाँ पर 0.00 हम दे देते हैं 65, ठीक है। इंटर बटन प्रेस कर देंगे, फिर हमें यहाँ पर जाना है, इसको भी लेना है और इसको भी सेलेक्ट करना है कंट्रोल बटन प्रेस करके। उसके बाद हमने क्या दिया 65, तो यहाँ पर हम दे देते हैं कितना 70 और 85, यहाँ 70 हम दे देते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर देते हैं 0.75 भी दे सकते हैं, इतना पे हम दे देंगे। फिर यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल की प्रेस के, इसको भी लेना है और इसको भी ले लेना है, और यहाँ पर हम दे देते हैं कितना 0.90 दे देते हैं, ठीक है। 0. यहाँ पर हमने दे दिया 90, इतना पे ले देते हैं। देखेंगे हमने जो सब पे जो कुछ ना कुछ टाइम का डिफरेंट दे दिया है यहाँ पर, अब हम इसको रन कराते हैं, देखेंगे इस तरह से ये थोड़ा जल्दी आएगा, ये लेट से आएगा, ये थोड़ा और लेट से आएगा, और ये जो है ज़्यादा लेट से आएगा, इस तरह से। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन आप ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में तैयार कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एक्सेस या पावर पॉइंट से रिलेटेड किसी भी तरह का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।